नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत के क्या न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के करारिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक विदिशा सीएसपी विकास पांडे विदिशा तहसीलदार के एन ओझा की उपस्थित में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के लगभग 15 से 20 ग्राम के लोग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से आगामी त्योहार गणेश उत्सव, नवरात्र पर्व आदि को सादगी और शांति पूर्वक मनाने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। सीएसपी श्री विकास पांडे ने कहा कि वर्तमान में लोगों को मोबाइल के जरिए ठगा जा रहा है, जिसमें हमारे पास तरह तरह के नंबर से कॉल किया जाता है। कार और लॉटरी खुलने की लालच देकर बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाता है, तो कभी वीडियो कॉलिंग के स्क्रीनशॉट दिखाकर ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे की मांग की जाती है, जिससे कई लोग बदनामी के डर से पैसे दे देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से डरने वाली बात नहीं है, आपके पास ऐसे किसी भी तरह के कॉल आते हैं तो पुलिस को सूचना दें। आप किसी तरह के लालच में आकर किसी अनजान कॉल पर खाता नंबर या अन्य तरह की गोपनीय जानकारी ना दें। तहसीलदार श्री ओझा ने कहा कि हम पूरी तरह से किसान के साथ है और जितनी भी मदद हमसे हो सकती है पूरी करते हैं। थाना प्रभारी श्री अरुणा सिंह ने क्षेत्र के ग्रामों की झांकियों की समितियों एवं ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव को शांति सद्भावना के साथ साथ सरकार की कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाना है। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। मेरा नाम बलराम सिंह दांगी नाम है, बमोरिया के हम जी। बता क्या बात है? अभी माननीय तहसीलदार साहब आए थे शांति समिति की बैठक में जी। पुलिस से संबंधित चर्चाएं हुई, इसके बाद उन्होंने कृषि संबंधित बातचीत की और हम लोगों ने साहब से निवेदन किया है कि वर्तमान में धान का रकबा बढ़ गया है हमारे क्षेत्र में और वृष्टि का तरीका ऐसा रहा कि पहले कम बारिश हुई, एक महीने लगातार सूखा रहा, इससे कचरा बढ़ गया और धान की फसल लगभग नष्ट हो गई है, तो उसका सर्वे कराया जाए और जल्दी से जल्दी। सोयाबीन की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तुअर वगैरह भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में सर्वे करा के शीघ्र मुआवजा और बीमा की बात करी जाए। मैम, आज बैठक के बारे में या आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें शासन के गाइडलाइन से सभी को अवगत कराया गया है। इस बैठक में आसपास के सभी गांव करारिया, देवखजूरी, पीपलखेड़ा, चित्तौरिया, बल्लाखेड़ी, कोटरा, नामाखेड़ी आदि गाँव के कोठी चार कला गाँव के कोई मैसेज आपकी तरफ से? यही है कि त्यौहार जो है उसको शांतिपूर्ण मनाएं और जो है शासन के गाइडलाइन उसका पालन करें। कोरोना महामारी के लिए भी जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करके त्यौहार मनाएं, ये अपील की गई है। सर, आज जो करारी थाने में बैठक हुई, अभी हमारे सम्माननीय सीएसपी साहब महोदय यहाँ पे पधारे थे, टीआई मैडम जी हैं, मैं हूँ और आप जो जनप्रति अपने शांति समिति के सभी सदस्यगण और अन्य जनमान जो गणमान नागरिक यहाँ पे उपस्थित हुए, तो सर ने जैसा बताया कोरोना की गाइडलाइन को साथ में रखते हुए किस प्रकार से विसर्जन करना है, किस प्रकार से झांकी लगानी है, ये चर्चा हुई। और दूसरी चीज़, सर ने पुलिस से संबंधित जो कुछ चीज़ें थी जो जनता तक उसको पहचाना मैसेज देना चाहते थे वो डिस्कस किया। जो जितने मोबाइल के जो फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, उसके बारे में सर ने विस्तार से चर्चा की और लोगों को इन चीज़ों से सावधान रहने के लिए सीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसमें क्या कुछ लोगों की किस्तें रुक गई हैं, किसी का आधार नंबर सही नहीं है, किसी का आधार के अनुसार नाम सही नहीं है, किसी का बैंक चेंज हो गया है, IFSC कोड बदल गया है, तो ऐसे लोग यदि इनके संपर्क में आते हैं तो उनको तहसील कार्यालय तक पहुंचाने में ये लोग मदद करेंगे तो उनको किस्त फिर से मिलने लग जाएगी, ये मैंने इनको बताया है। सर नमस्कार, क्या मैसेज देना चाहते हैं शांति समिति? आज करारिया थाने में जैसे गणेशोत्सव होने वाला है उसको तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, इसमें तहसीलदार महोदय और TI मैडम और थाना करारिया क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इसमें जो मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन आई है उसके बारे में लोगों को बताया गया कि किस तरीके से झांकी के पंडाल लगाने हैं, साथ ही साथ विसर्जन के समय 10 से अधिक लोग विसर्जन में नहीं रहेंगे, विसर्जन के दौरान सुरक्षा बनाए रखेंगे और साथ ही साथ क्षेत्र की जो अन्य समस्याएं हैं उनको लेके भी लोगों से बातचीत हुई। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।